वो देश में दहशत फैला रहे कि लोकतंत्र अब नहीं बचेगा। लोकतंत्र है, हमें जिसको मन होगा वोट देंगे, और वो उसने दहशत फैलाया, जो योगी और मोदी को वोट नहीं देगा वो मारा जाए। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर घर से थाली चोरी। अच्छा, वो तो अनाज दे रहे फ्री आपको, 2 किलो 5 किलो सिर्फ चावल और 2 किलो गेहूं से क्या राशन हो गया? दाल कहाँ गया? तेल कहाँ गया? मसाले कहाँ गए? नमक कहाँ गए? सब्जी कहाँ गया? दूध कहाँ गया? 2 किलो अनाज दे रही है, सस्ता सिलेंडर कर रखा गरीबों के लिए। क्या सस्ता है? 300 का सिलेंडर 1200 का कर दिया, क्या सस्ता है? तो हिंदू मजबूत हो रहे हैं। कौन हिंदू मजबूत हो रहे हैं? सनातन को मजबूत कर रही है बीजेपी। कौन सनातन धर्म? सनातन धर्म को मजबूत करके क्या हो? मंदिर बना रहे हैं अयोध्या में, वो मंदिर लेके क्या करेंगे भैया? पेट में खाना ही नहीं होगा, रोजगार ही नहीं होगा, हम भूख से मरेंगे। धर्म जरूरी नहीं है? धर्म से ज्यादा जरूरी है खुद इंसान और इंसान के साथ देश। जब देश और इंसान बचेगा तभी धर्म बचेगा। धर्म बचाना चाहिए, पहले देश और खुद को बचाना चाहिए, तब धर्म को बचाना चाहिए। आदमी ही नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा, तो फिर मानेगा कौन? धर्म को लेकर लड़ाई हुई है पूरे दुनिया में बड़ी बड़ी, और ये होती रहेगी जब तक ऐसे राजनीति होती रहेगी, तब तक ऐसी लड़ाई होती रहेगी। आरपीएफ के जवान ने कहा है कि योगी और मोदी को मानिए, फायरिंग करने के बाद में, मर्डर करने के बाद में जेल में। बड़े नेता हैं योगी मोदी देश में, उनसे ज्यादा तुच्छ नेता पूरे देश में नहीं है, जो अपनी जनता का जो है ना शोषण कर रही है। 56 इंच की छाती है मोदी जी की, लोग ऐसा कहते हैं। 56 क्या, उनको 65 इंच की भी छाती। आप महिला का पूजा करते हो, आप महिला को खाली प्लॉट बोल रहे हो, आखिर क्यों? महिला अगर हम सिंदूर नहीं लगाएं, ये इसका क्या मतलब? अगर हम खाली प्लॉट है, कोई भी मेरे साथ कुछ भी कर लेगा, ये राइट किसने दिया है? आखिर वो कहना क्या चाहते हैं इस बात को बोलकर कि तुम खाली प्लॉट हो, बिना सिंदूर अंगर मंगलसूत्र के हो, मेरे आश्रम में आओगे, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा शोषण होगा, तुम्हारा रेप होगा, तुमको बचाने वाला कोई नहीं है। महिलाओं की तुलना प्रॉपर्टी से कर रहे हैं, प्लॉट से कर रहे हैं, जबकि संविधान देश में लागू है सबको जीने का अधिकार। कि वो संविधान को ही खत्म करने के लिए तैयार है ना, मनुस्मृति लेकर आ रहे हैं, वो उन्हीं वही लाने की कोशिश कर रहे हैं ना। लेकिन वो तो कर रहे हैं सनातनियों को मजबूत कर रहे हैं, हिंदू धर्म मजबूत कर रहे हैं। अरे सनातनी कौन है भैया? हिंदू हृदय सम्राट है वो, हिंदू हृदय सम्राट है। वोट देते हो उनको? मैं कभी नहीं वोट देती, क्योंकि मुझे हिंदू ना, मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए ना हिंदू सम्राट चाहिए। इंजन की सरकार है वो, मुझे एक ही इंजन की सरकार चाहिए जो दुरुस्त चाहिए। अगर दुरुस्त भारत को तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, टॉप 3 में ले जाएंगे इंडिया को। सारे तो अर्थव्यवस्था वो गिरा के रख दिए, आप कौन सी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं? नोट बदल दिया उन्होंने तो, नोट बदलने से क्या होता है फिर? तो नई करेंसी मिल गई आपको, नई करेंसी 2000 फिर क्यों बैंड करवा दिए? वो काला धन था ना आपके, फिर पहले जो था वो काला धन था, फिर आपके होते हुए 9 साल में फिर ये काला धन कहाँ से उपज हुआ, इसका कौन जवाब दे? क्या क्या मांग लेकर के आए हैं? महंगाई का, रोजगार का और भ्रष्टाचार का। ये मुद्दे होते हैं क्या चुनाव में, लग रहा है आपको? बिल्कुल होगा ये मुद्दा, उसमें तो हिंदू मुस्लिम होता है। हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी वाले कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करके वो आगे अपने आप को निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी की अल्पसंख्यक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा नहीं, हिंदू ज्यादा है। लोग कहते हैं कि अब्दुल टाइट है आज देश में। अब एक बदनाम करना होता है, हर कम्युनिटी में लोग जो होते हैं ना कट्टर होते हैं, कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे कट्टरवादी नहीं होते हैं? कुछ चंद लोग को लेके हम पूरे कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते हैं। ज्यादा कट्टर हिंदू है या मुस्लिम है कहना मुश्किल है, क्योंकि सब में अब हम सर्वे नहीं किया कि हिंदू ज्यादा कट्टर है, मुस्लिम ज्यादा कट्टर है, कि ईसाई ज्यादा कट्टर है, कि सिख ज्यादा कट्टर है। लेकिन इसका पहले आप सर्वे करवा लीजिए, फिर पूछा जाएगा। सेंटीमीटर की भी छाती नहीं है। लेकिन वो तो चुनाव जीतते जा रहे हैं, अब की बार देख ले, क्योंकि अब जनता भी जागरूक हो रही है। महंगाई से जब लोगों की थाली से खाना गायब हो रहा है, जब सिलेंडर है तो भी आँख पे जो है ना खाना बनाना पड़ रहा है ना। हिंदू हृदय सम्राट बताए जाते हैं वो। हिंदू हृदय सम्राट लेके मैं क्या करूँगी? हिंदू हिंदू ही रहेगा, सम्राट नहीं चाहिए। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू पहलवान ही जो है ना यहाँ जंतर, हिंदू बेटियाँ ही बैठी हुई थी यंतर मंतर पे, उस समय आपका हिंदू सम्राट हृदय कहाँ था? क्यों नहीं आया आप बेटी गई, या उनके मुद्दे पे क्यों नहीं कुछ बोले? उन्होंने मुगलों के नाम बदल दिए हैं देश में। नाम बदलने से उनका काम ही नाम बदलना, नाम बदलने मुगल से क्या लेना देना? मुगल तो बहुत अच्छा देश चला रहे थे, वो आक्रांता थे, मुगल थे,
जब थे, लेकिन अब वो देश के अंदर निशानी खत्म कर रही है मोदी सरकार। निशानी क्या क्या करेंगे, बाबर की जगह जो है ना मोदी का बोर्ड लग जाएगा तो इसका क्या लोग पहचानेंगे। ऐसे ये बिल्डिंग किसी बाबर ने ही बनाया था, ना कि मोदी ने बनाया था, अमित शाह ने नहीं बनाया था। एक बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, वो कह रहे हैं कि जिस महिला के सिर पे सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लॉट है। आप भी खाली प्लॉट होगा, आप भी खाली हो। तो ये एक तो बेहुदा जो है ना उनका स्टेटमेंट है। अगर वो वाकई में एक गुरु होते, धर्म गुरु होते, उनके मुख से ये शब्द निकलता ही नहीं किसी महिला के लिए। आप महिला का ही पूजा करते हो। सबसे पुराना मुसलमान भी सनातनी ही है। ये तो विदेशी है ना। विदेशी कहाँ है, या तो पूरे विश्व में या तो सनातन आया है या तो। लेकिन जब ये बोला धीरेन्द्र शास्त्री ने वहाँ खुले मन से, किसी महिला ने जो विरोध नहीं किया, ताली बजा रही थी महिलाएं, तो वो बहुत अच्छे से सम्मोहन और वशीकरण का कला जानते हैं, जिसके बदौलत वो किसी को सम्मोहित करके अपने बात को ना में हाँ में करवाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कह रहे हो तो हनुमान के भक्त हैं, वो हनुमान कथा करते हैं। अगर हनुमान की कथा वो करते तो मणिपुर की आग उन्होंने क्यों नहीं बुझवाई? मणिपुर में जो महिलाओं के साथ बर्बरता हुई उसको क्यों नहीं रोके? उसका पर्चा उन्होंने क्यों नहीं निकाला कि मणिपुर में यह घटना हो सकता है? सरकार से क्यों नहीं गुहार लगाई कि इस घटना को रोक लो? देश में आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, उसके बावजूद मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नंगा नचाया गया। यही तो देश में जो है ना सबसे शर्म की बात है। जब से बीजेपी सरकार आई है सिर्फ महिलाओं का शोषण हुआ है। और जो जान ये 2024 में खुद को सत्ता में लाने के लिए एक महिला को जाना राष्ट्रपति बनाया गया है, राष्ट्रपति के साथ क्या दुर्व्यवहार होता है ये राष्ट्रपति ही जानती होंगी। वो सिर्फ एक नाम का टैग लगा दिया राष्ट्रपति है, लेकिन मनमानी तो मोदी जी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रही है। राष्ट्रपति महोदया बिल्कुल नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं। मोदी जी ऐसे हैं, तानाशाही हैं। मोदी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। तो अपने मणिपुर का जलते हैं, मणिपुर राजस्थान और जो है ना बंगाल को क्यों नहीं जलते? आंतरिक मामला है ना, आंतरिक मामला है तो क्यों? पहले आंतरिक मामला देखेंगे, पहले आप अपने अंदर की चीजों को ठीक करेंगे या पहले दूसरे को ठीक करेंगे? लेकिन जो करीब 40 महिलाएं हैं बीजेपी की जो सांसद हैं, वो मणिपुर पे नहीं बोल रही हैं। ये दुख की बात है, वो अपनी सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहती हैं। अगर वो एक महिला होती, अगर उन्हें सत्ता नहीं प्यारा होता, उन्हें अपनी कुर्सी नहीं प्यारी होती, आज इसका विरोध वो बिल्कुल करते। अच्छा, जो मंदिर बन रहा है 24 तक बनकर तैयार हो जाएगा ऐसा कहा जाता है, तो बीजेपी तो सत्ता में आराम से आ जाएगी? जरूरी नहीं है, राम को लाने वाला सत्ता में कैसे हो? इतना पावरफुल है। राम को नहीं मानती? मैं राम को नहीं मानती। फिर किसको मानती हो? मैं खुद को मानती हूँ। आप नास्तिक हो? मैं ना नास्तिक हूँ ना मैं आस्तिक हूँ। अच्छा। दुनिया को एक ही चलाने वाला है, अब उसका क्या, मुझे जो मर्जी होगा मैं उसको उसका नाम दूंगी, चाहे राम दो या कृष्ण दो या महाकाल दो, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, वो सरकार में लाते जा रहे हैं उनको। राम जैसे विवाद नारे दे रहे हैं। राम को इतना पावरफुल है वो कि राम को ले आएंगे? राम थे कहाँ? अगर टेंट में थे, राम टेंट में थे, टेंट से कहाँ ले आओ? मुझे तो दर्शन करने भैया जीते जाते, राम को ले आओ मैं फिर समझूंगी। आप नहीं, मुझे मंदिर में मूर्ति के दर्शन नहीं करनी है, जीता जाता राम को दर्शन करना है। जब जीता जाता राम को दर्शन होगा, राम है ना, तो कनकनगर में तो शंकर भी है। अच्छा। कनकड़ में तो शंकर भी है और मस्जिद में लगे कंकड़ में भी शंकर है। अच्छा, काम कर रही है ना, देखो कांवड़ियों के पैर दबाए, फूल बरसाए हेलीकॉप्टर से। कभी गरीबों को भी खिला दो, वो तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, वो कष्ट उठाएंगे तो उन्हें भगवान के दर्शन होंगे। जो गरीब है जिनके पेट में नहीं है, उस फूल की खर्चा, वो हेलीकॉप्टर के डीजल की जगह उन गरीबों को आप भोजन करा देते, उनके अच्छे कपड़े दे देते, उनके शिक्षा की तैयारी करवा देते।